माता को माता का दर्जा दिया गया और सच में वो माता है ही। और मार्कंडेय कालजू ने जो बयान दिया है इनके विरोध में आज आप यहाँ आए हैं, सब उपस्थित हुए हैं, उनके बारे में क्या विरोध प्रदर्शन आप करना चाहते हैं? हम उनके बारे में विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं क्योंकि गौ हमारी माता है और शास्त्रों में भी वर्णित है और वैसे भी जो 84 लक्ष योनियाँ हैं उनमें गौ के बाद ही मानव का जीवन होता है, ये तो हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है और सिद्ध है। और मार्कंडेय इस तरीके से विरोध कर रहे हैं या उन्होंने जो कहा है वो गलत है और इसके ऊपर में हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो तो सहज से दे रहे हैं और आने वाला समय उनके लिए आने के खतरनाक हो सकता है क्योंकि गौ सबके लिए माता है और गौ मांस खाने वाला जो है कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। जो अपनी माँ को ही खा जाए वो आदमी क्या होगा, वो तो पागल और पागल से भी का दैत्य का ही स्वरूप है। और हम तो ये चाहते हैं कि मार्कंडेय को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो हम जन आंदोलन कर रहे हैं, हम हिंसा पे हम लोग भी उतर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर में भी उसी माँ का खून है क्या। और उनको कुछ कहना था तो शास्त्र से हट के कहना चाहिए था, आप गीता रामायण महाभारत को हटा दें तो आप अपना क्या बोल सकते हैं ये हमको बताइए। आपने गाय पे कहा, आप किसी और पे कह सकते थे लेकिन गाय हमारे लिए अतिशय प्रिय है और हम इसका बार बार विरोध करते हैं और आने वाले समय में दमखम के साथ विरोध करेंगे। अगर मार्कंडेय को गिरफ्तार नहीं किया 3 दिन के अंदर तो हम लोग जबरदस्त विरोध करेंगे और चौराहों को उतर आएगा। हर साधु हर इंसान गौ से लगाव रखता है, आज भी और आने वाले समय में भी रखेगा और मैं इसी के साथ में अपने संतों का समर्थन के साथ में कहता हूँ काल गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वह इंसान के जैसा नहीं है, वो राक्षस के जैसा है और राक्षस प्रवृत्ति इसी तरह से उद्धृत होती रही। तो ये जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, धार्मिक भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंचाने के बाद भी वह कुशल नहीं रह सकता है।